नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और इस वक्त मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम पंजाब का दौरा कर रही है और पंजाब में किसान खेती और किसान चल रहे आंदोलन पर, खास तौर पर वो किसान जो वास्तविक जमीनी काम करता है और वह किसान जिसको कि वास्तविक की जय जवान जय किसान का जो नारा है वो जमीनी में दिखता है। और अभी मैं पटियाला में मौजूद हूँ और जिन किसानों के साथ में मौजूद हूँ उसमें एक किसान कर्नेल सिंह लंग पटियाला के रहने वाले हैं और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद सुब्बा जो कार्यकारिणी 9 मेंबर की कमेटी है उसके वो सदस्य हैं और 13 तारीख को आंदोलन में बॉर्डर के पास शंभू बॉर्डर के पास उनको गोली भी लग गई थी उनकी आंख में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये दाईं तरफ आंख में गोली लगी थी। उनसे बातचीत करेंगे क्या कह रहे हो आंदोलन को लेकर के। कई यहाँ पर जो मेरे साथ किसान लोग खड़े हैं मुझे खेती में काम करते नजर आए, साथ ही साथ बराबर आंदोलन में भी रूटीन वाइज से जाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं इस आंदोलन को लेकर के, क्या है वास्तविक की जो मीडिया दिखा रहा है, जो राजनेता और राजशाही जो राजनेता पॉलिटिशियन में जुड़े हुए हैं जो उनकी लाइनिंग है, क्या है वास्तविक की, क्या किसी पार्टी का समर्थन है। तमाम चीजों से करेंगे रूबरू और करेंगे बातचीत आज। सबसे पहले मैं कर्नेल सिंह जी से आपको रूबरू करवाता हूं, जिनकी कि अभी 13 तारीख को आंख में चोट लगी थी और चोट लगने के बाद वापस आए अपने ट्रीटमेंट के लिए। मेरे साथ है कर्नेल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी 13 तारीख को जब शंभू बॉर्डर पे गोली लगी थी उसका थोड़ा आप बताएं, आप कैसे था वहां का मंजर और क्या बोलना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के। मैं कर्नेल सिंह लंग भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद सूबा कार्यकारी कमेटी का 9 मेंबरी कमेटी का मेंबर है। जो हम सरकारें के नीत में नीति में फर्क है, कहनी में करनी में फर्क है। एक साल बाद वो जय जवान जय किसान का नारा लाती हैं लाल बहादुर शास्त्री। उस समय बोलता था भी मेरे देश का जवान तकड़ा है, मेरे देश का किसान माड़ा है, पर सरकार उनकी मदद करने को तैयार है, पर जे किसान तकड़ा होकर मेहनत करे हमको शर्म आती है। बाहरले सूबों से देशों से कणक गेहूँ मांगते हुए हमको बड़ी शर्म आती है, जोड़ी डट कर हम नाज मांगते हैं, पर किसान ने इतनी हड भन्ननी मेहनत करा है भी जेड़ा धरती का पानी 200-300 फुट ते चूस के ले गए टिब्बे कलर बंजड़ वो पटते नाज इतना पैदा करते हैं जेड़ा छत के थले नहीं है और वह तरपाला के थले गल रहा है। कनेल सिंह जी, मैं यदि बात करूं अभी की, यदि जो मंजर है अभी जो आंदोलन है वो जिस मोड़ पे पहुंचा है, 5 दौर की बात हो चुकी है, अब आपको जो आज के दिन हालात की बात करो, 2 दिन के लिए आंदोलन रुका हुआ, अब अभी किस मूवमेंट पे खड़ा है, क्या आगे दिखाई दे रहा है? मैं उसी बात पर ले जाता हूँ तुमको भी, किसान है जेड़ा वो रात को उठ को नहीं खाता है भी जेड़ा उसका खर्चा ज्यादा है, जेड़े साडे भा ने वो जा पाए ने खेती बाड़ी ते जेड़ी लागत है वो ज्यादा आ रही है। हमारिया मांगा थी जो पिछले 2020 दे विच आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, आपकी आपका अपनी जमीन कितनी है साहब? अपनी हमारे देन भाई है 18 एकड़ जमीन है। 18 एकड़ है, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। मैं जाने का प्रयास करता, कई लोगों की 2 और 3 एकड़ भूमि है, खासतौर उनको दिक्कत आती है। अच्छा, जो MSP का बराबर जो डिमांड कर रही है, कुछ इसमें ऐसी मांगे हैं शायद वो नामुमकिन से लगती, क्या मेरी बात से सहमत है? कुछ बोलेंगे जो बहुत जो टफ पेच जो है कि MSP तो सरकार ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, अब जो डिमांड है कई कि लोन माफ होना या जो वहाँ किसान जिनके साथ घटना घटी है उनको मुआवजा देना, कुछ शर्तें ऐसी है 4-5 जो कि बहुत मुश्किल है, तो क्या कुछ समझौता होने का लग रहा आपको? भाई साहब, हम तो वही बात पर लेकर आते हैं तुमको भी 7-7 साल में को जो हमारा धरना दिल्ली के बरूहा तेरे है वो 700 के ऊपर जेड़ा किसान है वो शहीद करा के आए हैं। मोदी सरकार ने बोला था गुरु नानक जी के पवित्र दिहाड़े ते भी मेरी हमारी करनी में भर फर्क पै गया,
हम किसानों को बतला नहीं सके भी जेड़ी इसकी कमेटी बनानी है सरकार के नुमाइंदे लेके किसानों के नुमाइंदे लेके वो कमेटी बना के जेड़ी MSP ते गरंटी देवे सूचकांक नाल जोड़ के वो रेट देवे। अच्छा, कुछ कुछ मैं यदि आपको बोलूँ कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा क्लियर करेंगे। पहला तो यह कि सरकार और मीडिया जो बोल रहा है कि वहाँ पर मात्र 20-30% किसान हैं, सारे किसान नहीं है, बिचौले में जो काम करने वाले लोग हैं और जो पार्टी से समर्थित हैं वो लोग हैं, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? जेड़ा हमारा मोर्चा है किसान मजदूर का बगैर राजनीतिक मोर्चा है, वो जेड़े राजनीतिक लोग हैं हम उसको धरने पर मैं कराही नहीं बोलन देते, खड़ने नहीं देते। एक जेड़ा आंदोलन है ये किसानों का है। ये जो अभी बातचीत का दौर हुआ, जो अभी केंद्र सरकार से जो मंत्री से बात हुई है, उस बातचीत में कुछ सकारात्मकता भी देखने को मिली है, लेकिन फिर वो पांचवें दौर भी टूटती नजर आ रही। तो अब जो फिर दौर की बात हो रही, तो आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें संभव हैं जो शर्तें रखी गई? अरे हमारा कोई शौक नहीं है भाई हम दिल्ली वालों जाएंगे रोडों पर खड़ेंगे, हमारी मंगा ने जड़िया वो देन किसानों सूचकांक नाल जोड़ के जो रेट है दाम है वो देन, MSP की गरंटी देन, किसानों मजदूरों सिर चढ़िया करजा उसको रद्द करना, जेडे साढ़े नौजवानों से किसानों से बने केस ने उसको रद्द करना, जेडी अपना खनौरी बार्डर से गोली चली है हमारा नौजवान शहीद होया है, हरियाणा के गृह मंत्री को उस पर पर्चा होना चाहिए, जेड़े जवान ने गोली चलाई है उस पर पर्चा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी निकल के आ रहा है, इसको लेके क्या बोलना चाहेंगे आपकी? जो वहाँ पर जो किसान हैं ज़्यादातर हरियाणा के और पंजाब के किसान हैं, पूरे देश के किसान अभी जुड़े नहीं हैं, तो क्या आपको लग रहा कितना समय अभी और लगना है कि पूरे देश के किसान जुड़ेंगे और आंदोलन को और आगे जाएगा? मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता, जेडे होर स्टेटा के ने राजस्थान के ने गुजरात के ने सारे उठे हुए ने, ये गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता। नहीं, मीडिया में तो बराबर चल रहा है, मीडिया दिखा रहा है, आप बोलेंगे तो ऐसा पूरी खबरें दिया मीडिया ने। कल भी एक घटना घटी थी, परसों जो वहाँ पर जिसको गोली लगी है, तमाम दिखाया जा रहा है, वो बहरहाल अलग अलग। तो इसको लेकर के अब क्या लग रहा है आपको, जो मोड़ है क्या वो समाधान निकलेगा? आपका क्या नाम है साहब? प्रेम सिंह। आज तो प्रेम सिंह जी, आप क्या बोली, आंदोलन कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से अभी नजर आ रहा, मानो बहुत दिन लगने वाले हैं, या समाधान होगा, क्या लग रहा है? समाधान होगा, होगा, करना पड़ेगा, मोदी सरकार को करना पड़ेगा, मोदी जड़ा अड़िया वा उसकी बोती पटनी पड़नी है। तो अब आपको लग नहीं रहा कि 2024 भी करीब आ गया, आचार संहिता भी लगने वाली है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, तो आंदोलन फिर कहीं ना कहीं डगमगाएगा या आंदोलन अपने पूरे जाएगा या कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज बनेगा, क्या लग रहा है? कोई कंप्रोमाइज नहीं होता किसी नाल भी, आंदोलन सही चलूगा, सही तरीके चलाया जाऊगा। ये सारे जड़े ने मीडिया के हत्थ, मीडिया ही चंगा दिखाने वाला, मीडिया ही माड़ा दिखाने वाला, सारा कुछ मीडिया के हाथ होता, जो गोदी मीडिया यही पट्टी मेस करता सारी। और लगातार जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मीडिया भी उतने ही शायद कुछ जो लोग हैं उनके नट पर रहते हैं, जितने की दोषी गवर्नमेंट को बताया जा रहा उतना मीडिया को भी बराबर दिखाया जाता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि जो आप बोलते हैं वो आगे दिखाने का प्रयास किया जाता है। आप थोड़ा मंजर बताएंगे, जो 13 तारीख जब आपकी गोली लगी थी उस दिन की थोड़ा घटना का थोड़ा क्या हुआ था? जेड़े हमारे किसान नेता थे, शांतमई मोर्चा जेड़ा चलाना चाहते थे, हम बच्चों को कहा था भी तुसी अगे नहीं जाना, हम सरकार को खाल हाथ दिखाकर चले थे भी खाली हाथ आ रहे हैं, 5 बंदे भेजे थे, वो वायदा करके गए थे नौजवानों के साथ, ये सरकार कोई माड़ी नीति पर आ गई उतना चिर हमारा संस्कार नहीं करना जितना चिर सारे मसले पंजाब के हल ना हो जाना। उस लोगों ने जान सार गोलियां चलाईया, अथरू गए सीटे साढ़े आगुआ से भी। तो अब आप कब जाएंगे, अभी आप थोड़ा दोबारा आंदोलन में जुड़ेंगे आप? वो पहला जेड़ा बच्चा है, वो जेड़ा नौजवान साडा शहीद होया है, ओनू नमेड़ के सानू पहला ओदी लोड़ पेगी, ओदा संस्कार करके, जे सरकार ते परचा नहीं हुंदा चाहे 10 दिन लग जाण चाहे 5 दिन लग जाण, ओदा संस्कार करे ते बाद जेड़ा आंदोलन है कल्ले पंजाब च नहीं सारे भारत दे विच किसान मजदूर खड़ा होएगा। बारहा जब मैं जाने का प्रयास करूँ तो ऐसे निकल के आ रहा, किसानों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूरी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनके लगातार प्रयास हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक समझौता नहीं होगा किसान अपने आंदोलन की जो शर्तें उससे वापस नहीं आने वाला। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा, बता दूँ आपको क्या कह रहे हैं, और किसान चलते हैं आगे की ओर और दिखाएंगे आपको किसान
खेती करते हुए किसान पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज।